गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई चैनल ट्रैवल हाइप। मेरा नाम है सौरभ और आज हम लोग आए हैं फिर से रामनगरा में ही, नारायणागिरी हिल। एक्चुअली यहाँ से ये जो रोड है, बाप रे बाप, ये मतलब पहाड़ में ना आधा तक तो आप बाइक लेके या गाड़ी लेके आ सकते हो, लेकिन ये जो आधा रास्ता है, मेरा बाइक तीन बार फंस चुका था मिट्टी में ना, गिरते गिरते बचा। नवनीता को मैंने नीचे ही बाइक से उतार दिया था। भाई रोड देख के मुझे साहस नहीं हुआ कि उसको लेकर डबल करके चलूँ ना ये पहाड़ पे। और अभी बारिश भी हो रहा है ना, तो मिट्टी थोड़ा सा लूज है अभी, तो इस चक्कर में बस। हाँ, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं। ये रहा नारायणागिरी हिल। यहाँ पे सीढ़ी तो है, आधे रास्ते से आप बाइक लेके आ सकते हो, तो बट उसमें भी बहुत ही डिफ़िकल्ट था। तो बस हाँ, अभी देखते हैं, थोड़ा सा चढ़ेंगे अभी। तो हम लोगों ने बाइक अपना यहाँ पे पार्क कर चुके हैं। यहाँ पे जगह ऊपर जगह अच्छा है बाइक वाइक रखने के लिए ना, लेकिन भाई साहब आने के टाइम पे जो हालत ख़राब होता है। तो यहाँ पे अभी दो लोकल मिले थे मुझे, तो वो लोग बोल रहे लक्ष्मी नारायण स्वामी टेम्पल, करेक्ट ना लक्ष्मी नारायण स्वामी टेम्पल। तो बस हाँ, अभी चलेंगे। ये रहा यहाँ पे सीढ़ी तो है एकदम ऊपर तक जाने के लिए, देखते हैं। नवनीता आज नीचे से पूरा पैदल आई ऊपर तक आज तो मेरा खैर नहीं है, मेरे से ज्यादा वो पैदल आ चुकी है। तो बस जैसे व्यू मस्त है, उस साइड में सोलर पैनल भी दिख रहा है ना, बाप रे। संभल क्या, अभी बारिश स्टार्ट हो गया ना, ऐसे पूरा पानी सिसक रहा है इधर से, थोड़ा सावधान। हालत टाइट, ऐसे तो मतलब सीढ़ी है बट सांस बहुत चढ़ रहा है। अभी पुजारी और एक बंदा जा रहा है, वो इतने हाथ में ना ऐसे 40 लीटर का कैन लेके जा रहा है। तो भाई यहाँ पे अपना खुद का बॉडी लेके जाना भी मुश्किल हो रहा है। ओह, इधर से व्यू बहुत ज़बरदस्त है ना। थोड़ा वेट करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा सांस लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। हाँ, फाइनली पहुंच चुके हैं ना टेंपल, उस साइड में एग्जॉस्टेड। इधर लिखा है स्वच्छता का पड़ी, मतलब इधर स्वच्छ रखना है। और दूसरे तरफ लिखा है गाजानु ओड़े बीडी, मतलब इधर ग्लास वास कुछ ब्रोक मत करने के लिए। यार जब भी कभी यहाँ पे आते हो तो थोड़ा सा जगह को क्लीन रखने के लिए वही सब लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा देख लेना। बाकी ये रहा यहाँ पे टेम्पल है, शायद अभी थोड़ी देर बाद पूजा स्टार्ट होगा ना। और एक छोटा सा पानी का तालाब की जैसा है,
जितना भी पानी सिसकता है ना वो शायद यहीं पे आके जमा होता है। ये रहा यहाँ पे टेंपल ना नारायण स्वामी का, तो शायद आज कुछ पूजा वूजा है यहाँ पे, तो प्रसादी वसादी बन रहा है अभी। हम लोग दूसरे साइड पे जाके वेट करते हैं। तो ये मंदिर के बैक साइड है ना, यहाँ पे अभी मंदिर में पूजा का प्रसादी वसादी बनाना स्टार्ट हो रहा है और अभी शायद थोड़ी देर बाद पूजा भी स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो लोकल्स है वो बोल रहे हैं कि आओ आकर प्रसादी लेके जाना, तो देखते हैं अभी थोड़ा टाइम इधर रुकेंगे, तब तक अगर हो जाता है तो हम लोग प्रसादी लेके भी जाएंगे या फिर शायद उन लोगों को अभी और थोड़ा टाइम लगेगा ना। बाकी यहाँ से व्यू बहुत ज़बरदस्त है। मैं जैसे नीचे बोल रहा था ना, यहाँ ये इसी जगह पे है जितना सोलर पैनल उस नीचे से जो दिख रहा था वो यहाँ पे है, पूरा बहुत बड़ा एरिया लेके है। तो हाँ थोड़ा बहुत टाइम इधर भी स्पेंड करते हैं, थोड़ा रुकते हैं, हालत टाइट है ऊपर चढ़ते चढ़ते ना, तो देखते हैं अभी। तो ऊपर से नज़ारा बहुत ही प्यारा है, लेकिन सबसे बुरी बात क्या लगता है पता है, आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होगे पता नहीं, से बॉटल टूटा उटा है यार। मंदिर है यार, थोड़ा सा तो लिहाज करो। ये चीज सबसे घटिया है, वरना चारों तरफ का नजारा बहुत ही प्यारा है भाई लोग। मेन रोड के सामने ही ना एक बहुत ही बड़ा झील है जो ऊपर आने के टाइम पे दिखता है, देखते हैं अभी नीचे जाके अगर झील के तरफ जाने के लिए कोई रास्ता है तो देखेंगे। लेकिन भाई साहब जो नज़ारा है वो आपको इधर आके ही मिलेगा, कैमरा में फोटो में तो कुछ नहीं आ रहा है बट हाँ इधर से नज़ारा बहुत ही प्यारा है। जो पूरा रामनगर का जितना भी हिल टॉप्स है उस साइड में, जैसे थीमापन्ना बेट्टा दिख रहा है और बहुत ही प्यारा है नज़ारा। आइए एंजॉय कीजिए, बट एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जगह को गंदा मत करना, उतना तब ध्यान रखे बस। ओहो मैडम जी काहे जा रहे हो मैडम। तो गाइज इसके साथ टाटा प्यारे जगह को, प्रसादी लेने का तो बहुत ही मन था लेकिन अभी टाइम हो रहा है 12:31 o'clock हो रहा है ना, और बैंगलोर पहुंचने के लिए भी अपने को चाहिए 2 घंटा, तो ज़्यादा वेट नहीं कर पाएंगे। तो सोचते कि प्रसादी में अपना नाम नहीं था इसलिए नहीं हो पाया। तो गाइज इसके साथ इसका ब्लॉग यहीं पे एंड होता है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जब नया कुछ वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ना। तो कहा मैं इस जगह का लोकेशन अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा,
बहुत ही अच्छा है। हाँ थोड़ा सा देख लेना, जब बाइक लेके ऊपर आते हो ना वो जगह थोड़ा सा देख लेना। वैसे भी ये बारिश हो रहा है ना, इसलिए मिट्टी थोड़ा सा भी लूज़ है, तो उस चक्कर में भी शायद प्रॉब्लम था, दो बार गिरते गिरते बचा मैं। बट ऊपर से यहाँ तक आने के लिए जो थोड़ा सा सीढ़ी बना हुआ है, तो वैसे तो आज को ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर से व्यू बहुत ज़बरदस्त है, ऊपर एक टेम्पल है, आज तो पूजा भी हो रहा है, बट अपने नसीब में नहीं था। तो आपसे मिलते हैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग पे, कुछ दूसरी जगह पे, कुछ दूसरा कुछ एक्सप्लोर करते हुए।